वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। मैं लेके आऊँ के लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो। आपको पता होगा कि यहाँ पे गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे आने वाला है, उसके लिए मैं एक शानदार वीएफएक्स ट्यूटोरियल लेके आऊँ। सो गाइस, जो वीडियो आपने स्टार्टिंग में वॉच किया, इस तरह का वीडियो आप भी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना होगा। और जो भी आप स्क्रीन पे फोटोज देख रहे हो, इस तरह का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना लिया है। आप इस तरह की फोटो एडिट करना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में इसकी लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में 3-4 वीडियो की लिंक और मिल जाएगी। सभी वीडियो को आप एक बार देख लीजिए और जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे उस तरह का वीडियो बना लीजिए। सो गाइस यार, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको काइंडमास्टर एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली, जिसकी लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड जरूर कर लीजिए। तो गाइस जल्दी से यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपके भाई के बारे में जानने से। फ्रेंड्स, मेरा नाम है कमलेश और आपका हमारे यूट्यूब चैनल यंग टेक में स्वागत है। सो गाइस बिना टाइम वेस्ट के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा काइंडमास्टर ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे जाना होगा, 9x16 पे सेलेक्ट कर लेना होगा। अब आपको इस तरह का इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब आपको इस फिर से मीडिया पे ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पे बैकग्राउंड में जाने के बाद एक ब्लैक बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना होगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसकी साइज बड़ी कर सकते हो आप। यहाँ से बड़ा करने के बाद आपको फिर से स्टार्टिंग में आना होगा, लेयर के ऑप्शन पे जाना होगा और ऊपर मीडिया को सेलेक्ट कर लेना होगा। अब यहाँ पे जो आपने वीडियो शूट किया है इसको इसमें डाल देना होगा। तो मैंने एक वीडियो यहाँ पे नॉर्मल सा बस शूट किया था, जिसको मैंने इसमें डाल दिया है। अब भाई यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, इसको कट कहाँ से करना है। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट शूट हो जाता है उसको आप कट कैसे कर सकते हो, तो मैं इस वीडियो को यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट शूट हो गया उसको कट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले लेयर पे क्लिक करना होगा आपको। यहाँ पे सीजर पे जाने के बाद आपको ट्रिम टू लेफ्ट ऑपरेट कर देना होगा। तो इस तरीके से आपका वीडियो लेफ्ट साइड से कट जाएगा। अब इस वीडियो को सबसे पहले प्रेस करना होगा, दबा के रखना होगा, फिर यहाँ पे आगे की तरफ लेके आना होगा। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे लेके आने के बाद जो पीछे से एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको यहाँ से कट कर दूंगा। तो सबसे पहले फिर से लेयर पे जाना होगा, सीजर को सेलेक्ट करना होगा, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर देना होगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट एंड से कट जाएगा। अब इस ब्लैक पार्ट को भी यहाँ पे कट कर देंगे। तो गाइज हमारा वीडियो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब आपको जो लेयर है उसको आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन में करना होगा। तो इस ऑप्शन पे जाने के बाद आपको फुल स्क्रीन कर लेना होगा। तो गाइज हमारा वीडियो कुछ इतना बन चुका है। अब गाइज हमारे यहाँ पे टी शर्ट पे तिरंगे की फोटो को लगाना होगा। तो आपको सबसे पहले हमारी वाली लेयर पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाना होगा। क्रोमोकी के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे इसको इनेबल कर लेना होगा। यहाँ पे की कलर में जाते हैं, आपको जो टी शर्ट का कलर होगा उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो मेरी टी शर्ट ग्रीन है तो यहाँ पे ग्रीन कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे आगे आना होगा और यहाँ से कुछ एडजस्ट करना होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो गाइस यहाँ पे याद रखना आपकी टी शर्ट यहाँ पे इस तरीके से ब्लैक होनी चाहिए। यहाँ पे और कुछ भी ऊपर से नीचे यहाँ ब्लैक नहीं होना चाहिए, टी शर्ट ही ओनली फॉर ब्लैक होनी चाहिए। अब यहाँ पे इतना काम होने के बाद फिर से आपको लेयर में जाना होगा और जो इंडियन फ्लैग वाली फोटो उसको इसमें डालना होगा। तो यहाँ पे मीडिया में जाने के बाद गैलरी का इंटरफेस मिल जाएगा, तो कोई सी भी फोटो को इसमें डाल सकते हो आप। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे फोटो आ चुकी है आपकी कुछ इस तरीके से। यहाँ पे 3 डॉट पे जाना होगा और सेंड टू बैक कर देना होगा। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे टी शर्ट पे आपकी फोटो, मतलब यहाँ पे तिरंगा आ चुका है कुछ इस तरीके से। अब आपको यहाँ फोटो पे क्लिक करना होगा और इसको जैसे आप छोटा या बड़ा कर सकते हो इस तरीके से कर लेना होगा आपको। गाइस इस तरीके से आप वीडियो बना सकते हो, यहाँ पे इसको एंड तक इक्वल कर सकते हो, तीनों लेयर इक्वल है। इस तरीके से हमारा यहाँ पे इंडियन फ्लैग वाला आ जाएगा। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें, जो आकाश में हम कुछ भी लगाना चाहते हैं पीछे, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले लेयर पे जाना होगा, ऊपर मीडिया सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे डाउनलोड में आपको मतलब आपकी मेरी डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और एक वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर उसको डाउनलोड जरूर कर लेना। मैं इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दी हूँ, जाकर डाउनलोड जरूर कर लीजिए। तो आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो। अगर आप इस तरह की फोटोज़ कुछ भी लगाना चाहते हो तो गूगल से जाकर डाउनलोड कर लेना होगा और यहाँ पे छोटे छोटे क्लिप में लगा लेना होगा। आपको इसको यहाँ पे इतना बड़ा करना होगा और यहाँ पे क्रोमा की ऑप्शन पे जाने बाद इसको इनेबल कर लेना होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो ग्रीन कलर है हट गया है। अब आपको यहाँ पे फिर से उसी फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट करने के बाद आपको फिर से इसी लेयर पे क्लिक करना होगा जो ग्रीन कलर वाली मैंने अभी डाली थी, उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा। गाइस ये ऑप्शन सभी के यहाँ पे नहीं आता है, तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना होगा, मैं आपको यहाँ पे काइंडमास्टर प्रो की लिंक सेंड कर दूंगा, उससे जो वाटरमार्क आता है वो भी हट जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नीचे आना होगा, यहाँ पे डार्कन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको वीडियो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाता हूँ। अगर इस तरह आप भी वीडियो बना सकते हो, अच्छा वाला वीडियो शूट करने के बाद इस तरह वीडियो बना सकते हो। और गाइज आप यहाँ पे छोटे छोटे फोटोज भी लगा सकते हो, जैसे कि मैं इस वीडियो को कम कर लेता हूँ जो हमने लड़की वाला वीडियो बैकग्राउंड में लगाया था। अब यहाँ पे मैं आपको एक यहाँ पे फ्लैग वाली वीडियो लगा के दिखाता हूँ, मतलब फोटो लगा के दिखाता हूँ। तो फिर से आपको लेयर पे जाना होगा, मीडिया सेलेक्ट करना होगा, जो इंडियन फ्लैग की वीडियो है उसको
मतलब फोटो को सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे लेके आना होगा। आपको यहाँ पे सीधा क्रॉपिंग पे जाना होगा। क्रॉप पे जाने के बाद यहाँ पे मेक पीस को इनेबल कर लेना होगा, जैसे कोई सी भी शेप दे सकते हो आप। और यहाँ पे इसको फीचर को यहाँ पे थोड़ा आगे कर देना होगा कुछ इस तरीके से। आगे करने के बाद आपको बैक आना होगा और फिर से इसी फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाना होगा, नीचे जाना होगा और वही डार्कन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ डार्कन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बड़ा कर सकते हो। अब आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से लग रहा है कि यहाँ पे आकाश में यहाँ पे इंडियन का मतलब यहाँ तिरंगा लगा हुआ है। तो गाइस इस तरह वीडियो आप भी बना सकते हो, वो भी सिर्फ 2 मिनट पे। तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो गाइस यहाँ पे आपको शेयर के ऑप्शन पे जाना होगा और वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना होगा।